पिथौरागढ़ में इस साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस साल 16 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी जो 6 अप्रैल को समाप्त होगी, जिसमें कि 12,882 विद्यार्थियों के द्वारा 27 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे और इन परीक्षा केंद्रों में इस साल 3 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जो राजकीय इंटर कॉलेज पिरथी, राजकीय इंटर कॉलेज टिमटा और राजकीय इंटर कॉलेज पिलखी, जबकि पूर्व में 84 परीक्षा केंद्र थे। तो वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जकरिया ने बताया है कि 10 अटल उत्कृष्ट विद्यालय में CBSE की परीक्षा कराई जाएगी। वहीं अब जिला शिक्षा विभाग के द्वारा संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जिसमें कि प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं प्रारंभ होंगी जो कि 2 फरवरी से प्रारंभ होकर 28 फरवरी को खत्म होंगे। 2022-23 के लिए परिषदीय परीक्षाएं हमारी 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त होंगी, जिसमें 12,822 परीक्षार्थी 87 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे। इन परीक्षा केंद्रों में 3 नए परीक्षा केंद्र हैं और हमारे 84 पुराने परीक्षा केंद्र हैं। 10 अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो CBSE की परीक्षाएं इन परीक्षा केंद्रों में हो रही हैं, तो नए परीक्षा केंद्र 3 इस साल बनाए गए हैं, जिसमें विरथी, राजकीय इंटर कॉलेज विरथी, राजकीय इंटर कॉलेज टिमटा, राजकीय इंटर कॉलेज पिलखी।